मैं देवभूमि उत्तराखंड से योगेश। तो हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गया हूं मैं अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। बाकी अभी सुबह के 8:30 होने वाले हैं, तो मेरे को अब कॉलेज निकलना है, इसलिए मैं अब कॉलेज के लिए रेडी हो जाता हूं पहले। बाकी बात करें मौसम की, मौसम देखिए यहाँ पर काफ़ी कोहरा छाया हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्की हल्की धूप आ रखी है, और बाकी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कोहरा छाया हुआ है सुबह सुबह के टाइम, और काफ़ी ठंडा मौसम भी हो रखा है अभी। अभी तो चारों ओर देखिए ना, चारों ओर कोहरा ही कोहरा है, तो देखते हैं आज धूप आती है नहीं आती है। बाकी यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी फ्लैट बनेगा, यहाँ पर दुकानें बनेंगी, तो देखिए यहाँ पर मेटल आ रखा है, काम लगातार चल ही रहा है अभी। और बाकी यहाँ पर तो धान देख सकते हैं आप, इतने सुंदर लग रहे हैं सुबह सुबह। बाकी चलता हूँ मैं अभी पहले नीचे कॉलेज के लिए रेडी हो जाता हूँ, वरना लेट हो जाएगी मेरे को। चलता हूँ मैं रूम पे, अब रेडी हो जाता हूँ कॉलेज के लिए। फाइनली हो चुका हूँ मैं कॉलेज के लिए रेडी, और नाश्ता मैंने कर लिया है, तो अब निकलते हैं कॉलेज की ओर। अब इसमें थोड़ा सा पीने के लिए पानी ले जाता हूँ गरम, बाकी मैंने पानी तो यहाँ पर गरम कर रखा है, और इसमें भर के ले जाता हूँ। अब ये पानी डाल दिया है मैंने, गरम पानी आजकल ठंडा मौसम है ना, इसलिए गरम पानी पीना चाहिए। तो अब निकलते हैं कॉलेज की ओर। बाकी 8:45 से लगता है कॉलेज, और 8:45 होने वाले हैं, मेरे को निकलना पड़ेगा जल्दी से यहाँ से, तो चलते हैं फिर। अब ये भी स्कूल के लिए रेडी हो चुका है, छोटा बच्चा यहाँ पर रहता है, तो अब मैं निकलता हूँ पहले यहाँ से, काफ़ी लेट हो चुका है। बाकी मैंने कॉलेज में एंटर कर लिया है, तो चलते हैं पर आगे की ओर, पार्क करते हैं गाड़ी को। फाइनली गाड़ी पार करके मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं, तो अब चलते हैं क्लास में, क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो चलता हूं पहले क्लास में। बाकी मौसम तो आप देख सकते हैं कितना कोहरा है, चारों ओर कोहरा ही कोहरा है, और देखते हैं दोस्त लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। क्लास तो हो चुकी है, अभी सेकंड क्लास के लिए हम टीचर को बुलाने आए हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना सुंदर फोटोग्राफ्स प्रिंट करवा के चिपका रखे हैं, ये देखिए चारों तरफ दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स चिपकाए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अनेक अलग अलग जगह की हैं, अनेक प्रकार के मूर्तियाँ, धर्मस्थल। क्लास हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आज काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं मेरे दोस्त लोग, ये देखिए अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अभी जस्ट क्लास ख़त्म हुई है, अभी दोबारा स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट क्लास, तो अभी मैं ये देखिए और ये है कपिल, ये है आयुष, ये है राहुल, ये है ऋषभ, ये है विधि गिरी, और ये सामने पर है पीछे सुहानी, यहाँ पर है महिमा, यहाँ पर है अलीशान, यहाँ पर परवेज, यहाँ पर एहतिशाम, और यहाँ पर काशिफ। तो मैंने सबको दिखा दिया है ब्लॉग में। तो दोस्तों ये है यहाँ पर ऋषभ बैठा हुआ, और यहाँ पर आयुष बैठा हुआ है। अभी तीन क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, अभी एक क्लास बाकी है, बाकी क्लास अभी मैम आने वाली है, तो देखते हैं अभी क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं क्लास के बाद। अभी लंच टाइम पे हम आए हैं, मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में, ये देखिए काफ़ी मस्त बना रखा है ना यहाँ पे, चारों ओर मतलब इधर उधर से पेड़ हैं, और बीच से है रास्ता, तो यहाँ पर झूला भी है, देखते हैं अंदर कैसा बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर है झूला बैठने के लिए। फाइनली हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, अब कॉफ़ी पीते हैं। यह है रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी जाता हूँ मैं फिर, बुक सबमिट करनी है मेरे को। ये हमारी लाइब्रेरी, दिखाऊंगा मैं अंदर जाके आपको।
तो दोस्तों मैं आया हूँ लाइब्रेरी पे। ये है हमारी लाइब्रेरी, ये देखिए काफ़ी बुक्स हैं यहाँ पर, और सारी हर प्रकार की बुक्स मिल जाएगी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए। ये है लाइब्रेरी। मैंने बुक सबमिट कर दी है लाइब्रेरी में, अब चलता हूँ मैं फिर कंप्यूटर लैब की ओर। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट तो घर को जा रहे हैं, अभी 1:30 बज चुके हैं इसलिए इन्हें भूख लग चुकी है बोल रहे हैं, ये घर जा रहे हैं ये दोनों। ये देखिए यूनिवर्सिटी ओवरव्यू, काफ़ी शानदार नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, और सामने पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और बाकी मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो रखा है, धूप लगी हुई है हल्की फुल्की, और पहाड़ों में तो बादल दिख ही रहे होंगे आपको क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है ना इसलिए। पर देखिए मेरी दोस्तों की मीटिंग चल रही है, तीनों दोस्त लगे हुए हैं मीटिंग पे, और पता नहीं क्या क्या बात बोल रहे हैं, शायद मीटिंग की पर्सनल बात होगी। तो देखिए आप कंपनी की बात कर रहे हैं। मैं अभी आया हूँ क्लासरूम पे, अभी मैं और मोहित बच्चे हैं, अभी सारे बच्चे चले गए हैं घर की ओर, चुके हैं शाम के 3। और ये देखिए शाम का नज़ारा, ये गजेंद्र विहार मैंने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था आपको, आज भी दिखा रहा हूँ आपको, और काफ़ी शानदार व्यू लग रहा है यहाँ से, और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आगे पे, और बाकी काफ़ी लोग चले गए हैं घर, मैं मोहित बच रखे हैं, और यहाँ पर तो अभी फ़ीस सबमिट हो रही है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे खड़े हो रखे हैं फ़ीस सबमिट कर रहे हैं, बाकी मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है, और मैं और मोहित यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब हम जा रहे हैं लैब में, लैब खुल चुकी है तो आपको दिखाऊँगा मैं आज नई लैब हमारी, तो चलते हैं फिर अब लैब। प्रैक्टिस कर रहा था ये देखिए मोहित जा रहा है लैब की ओर, और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अभी बज चुके हैं शाम के 4, लेकिन वहाँ लैब तो बंद थी तो लैब में दिखा नहीं पाया, और ये यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप शाम के टाइम, हमारी कॉलेज ऐसे दिखता है। ये है देखिए फैकल्टी ब्लॉक 1 ये है, और सेकेंड वाला जो मैंने बताया था आपको ये वाला है, और बाकी शाम का नज़ारा देख सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मैं और मोहित हैं यहाँ पर। यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ कॉलेज के आगे एक पेड़ लगा रखा था, खटाई का पेड़, और इसमें एक घोंसला है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चिड़ियों का घोंसला है, काफ़ी बढ़िया बना रखा है, लेकिन इसमें अंडे उंडे कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचना अंडे लेके गया, लेकिन इसमें अंडे थे नहीं क्योंकि मतलब इनके बच्चे होके उड़ चुके हैं और इस दुनिया को देख चुके हैं। तो बाकी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी मज़ा आया, अभी सॉफ्ट स्किल की सेमिनार हुई थी, बाकी मोहित और मैंने ज्वाइन किया, और भी 2-3 बच्चे थे, पर मज़ा आया काफ़ी। और चलते हैं अभी घर की ओर, 4:30 बज चुके हैं। तो पार्किंग लॉट से ऐसी दिखती है हमारी यूनिवर्सिटी घर जाते समय, शाम का व्यू ऐसा है कुछ, और अभी हम पार्किंग लॉट पे पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं अभी घर की ओर। तो योगेश अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए, अब मैं बैठूंगा पीछे, अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर। बाकी ठंड काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ पर, हवा चल रही है ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ देखिए चारों तरफ पेड़ दिख रहे होंगे आपको, हरे भरे पेड़, और बीच से है सड़क, तो चलता हूँ मैं, यहाँ पर जाम है काफ़ी ज़्यादा, ट्रैफिक लग रखा है। बाकी आपको पता ही होगा सैलाकुई का ट्रैफिक, सैलाकुई में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आप काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर, ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है,